सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज मानव एकता दिवस के अवसर पर इस संत समागम के रूप में आप सभी श्रद्धापूर्वक उपस्थित हुए हैं, जो मानवता और मानवता की मजबूती के लिए लगातार भिन्न भिन्न रूपों में अपने योगदान दे रहे हैं। उसी मानवता को मजबूत करने के लिए जिसके लिए कितने कितने बलिदान हुए हैं, और श्रद्धा के साथ आज बाबा गुरुबचन सिंह जी को याद किया जा रहा है, जिन्होंने आज ही के दिन इस नश्वर शरीर को त्यागा, और साथ में ही चाचा प्रताप सिंह जी भी, जिन्होंने एक भक्ति सेवा भावना और पूरे विश्वास अकीदे और मजबूती के साथ किसी भी स्टेज पर डुलायमान ना होते हुए आखिरी सांसों तक गुरु के साथ अपनी निभाई, जो बाबा गुरुबचन सिंह जी की देन है संसार को मिशन के द्वारा। देन तो संसार को रही है, नज़र आता है शायद मिशन को देन दी है। देन तो संसार को दी है लेकिन मिशन के द्वारा दी है। जो मिशन को रूप उन्होंने दिया, जो भली भांति जानते थे कि अगर बाबा बूटा सिंह जी ने आज के दौर में ये आवाज़ बुलंद की है, और जिसका बीड़ा बाबा अवतार सिंह जी ने अपने मजबूत कंधों पे उठाया गुरु के आशय के अनुसार, और किस कदर वो चलते चले गए, तमाम आंधियाँ सामने आईं और चलते चले गए, ये सच का पैगाम देते चले गए। और जो उन्होंने बात कही कि दूसरे की लकीर मिटाने की बजाय अपनी लकीर को बड़ी करते चले जाओ, तो वही बाबा अवतार सिंह जी ने उसी अनुसार ही इस फैली हुई अज्ञानता को, अज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए जो अपना जीवन लगाया। और बाबा गुरुबचन सिंह जी ने जब गुरु का ध्यान आया और ये जिम्मेदारी सौंपी गई, तो बाबा गुरुबचन सिंह जी ने फिर ना दिन देखा ना रात देखा, उसी रफ्तार से चलते चले गए, और रफ्तार को ऐसी और ज़्यादा रफ्तार दे दी, उस चाल को रफ्तार दे दी कि थोड़े ही समय में ये ज़्यादा से ज़्यादा ये सच का पैगाम जन जन तक पहुँच पाए। ये जो भ्रमों में लोग जी रहे हैं, जो एक ऐसे वहमों में जी रहे हैं जो हकीकत और सच्चाई से अनजान हैं, जिस परमात्मा का नाम लेते हैं इस परमात्मा के अस्तित्व को जानते नहीं हैं, जिनकी भक्ति केवल नाम और जिक्रों तक सीमित है, पठन पाठन तक सीमित है, प्रभु के गुणगान तक सीमित है, लेकिन किसकी अर्चना पूजा हो रही है उसके वास्तविक रूप से अनजान हैं, उसके वास्तविक अस्तित्व से अनजान हैं। तो इसलिए उन्होंने दिन रात एक कर दिया जन जन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए, और कितने कितने और महापुरुषों को, भक्तों को, जो शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी का भी साथ देते चले गए, और बाबा गुरुबचन सिंह जी ने भी ऐसे महापुरुषों से ये सेवाएं ली, जो स्थान स्थान पर ये सच का पैगाम पहुंचाते चले गए। और जैसे आज भी जिक्र हुआ कि मिशन के ढांचे को भी मजबूती देने के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वक्त के तकाजे, उनको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो जानते थे कि मिशन जिस तरफ बढ़ रहा है,
जिस तरफ इसका फैलाव हो रहा है उतनी ही ज़्यादा नियंत्रण, उतना ही ज़्यादा डिसिप्लिन, उतनी ही ज़्यादा मर्यादाएं, उतना ही सोसाइटी में रहते हुए एक सुंदर मिसालें बनने के लिए जो ज़रूरी कदम उठाने लायक हैं उसी पे आधारित उन्होंने ये कॉन्फ्रेंसेस का आयोजन किया और निर्णय लिए, चाहे 1965 जबकि बाबा अवतार सिंह जी भी मौजूद थे, हालांकि बाबा गुरबचन सिंह जी को वो जिम्मेदारी दे चुके थे, लेकिन उस वक़्त मसूरी में 65 में जहां बाबा अवतार सिंह जी भी वहां उपस्थित थे और बाकी भी महापुरुष जो प्रबंध के ढांचे में केंद्र में जो बुज़ुर्ग, चाहे वो भाई साहब लाभ सिंह जी हों या डॉक्टर देशराज जी हों, इसी प्रकार से सेक्रेटरी राम शरण जी हों या कबीर जी जुगल किशोर जी हों, इसी प्रकार से सूरज मोहन जी हों, बाबू महादेव सिंह जी हों, तो इस तरह से ये तमाम महापुरुष ये उपस्थित रहे और भी वहाँ कुछ निर्णय जो लिए गए कि देश को इस प्रकार से एक रूप देना है, तो वो एक फैसले वहाँ लिए गए। और फिर चंद वर्षों के बाद फिर 73 यानी कि 73 में फिर तो बहुत ही विस्तार से वहाँ मसूरी कॉन्फ्रेंस का रूप बना और वहाँ पर फिर जो निर्णय लिए गए और उसमें जहाँ प्रबंध के ढांचे को एक ऐसी तरतीब दी गई ताकि मिशन और ज़्यादा फैलाव को प्राप्त करते हुए साथ ही साथ पूरी तरह से एक सुंदर रूप धारण करता चला जाए, जो परिवारों में समाज में कुछ कमज़ोरियां हैं उसको दूर किया जा सके, उससे बचाव किया जा सके। और उन्हीं निर्णयों में जहां पर प्रचार के लिहाज से या फिर बाकी साधनों के इस्तेमाल के लिहाज से कुछ फैसले लिए गए, वहां पर एक सामाजिक रूप में एक बुलंद तरीके से नशाबंदी के लिए जो ऐलान किया गया, जो अनाउंसमेंट की गई कि वाकई ही कोई भी गुरसिक इस नशे को ग्रहण नहीं करेगा, इसका सेवन नहीं करेगा, इस नशे ने हमेशा घर उजाड़े हैं, इस नशे ने ही कितनी बरकतें हमसे छीनी हैं, तो इसलिए घरों को नरक बनाने के साधन ये बने हैं, तो हमने ऐसे नशों का सेवन नहीं करना है। और इसी प्रकार से लेन देन के सिलसिले समाज में जब बच्चों बच्चियों के विशेषकर विवाह रिचाए जाते हैं और कैसे बोझ बने जाते हैं, कैसे दिखावे होते हैं, कैसे किस प्रकार से फजूल में वो खर्च किए जाते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने सबको ये चेतन किया कि हमने उस तरफ अपने कदम नहीं बढ़ाने हैं, हमने हरगिज़ संयम में रहना है, हमने नियंत्रण में रहना है, हमने खाम खा के लोगों को दिखाने के लिए अपने आप को किसी बोझ में नहीं डालना है, और इस प्रकार से ना बोझ बनना है ना ऐसी मांगे रखनी है सामने। तो इस प्रकार से उन्होंने सामाजिक दृष्टि से इस तरफ भी सबका ध्यान दिलाया और विवाह शादी को सादगी से निभाने के लिए भी उन्होंने इस प्रकार से सबके जहन में ये बात बिठाने के प्रयास किए कि हमने बहुत सादा ढंग से ये भी जिम्मेदारियां अपनी ये हमने निभानी है। और वाकई ये समय समय के ऊपर लगातार ये बार बार ये संदेश दिए जाते हैं, लेकिन गौर करने लायक यही बात होती है, एक इंट्रोस्पेक्शन करने का एक हम गुरसिक का कदम कदम पर ये अगर कर्तव्य बनता है कि वाकई हम सोचें कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने अगर ये बात रखी सामने तो भलाई के लिए रखी, ताकि गुरसिक का नुकसान ना हो, ताकि गुरसिक और आगे बढ़े एक स्पिरिचुअली भी सामाजिक दृष्टि से भी। तो इस प्रकार से एक विश्लेषण करना, सोचना कि वाकई ही हम उस तरह से जी पा रहे हैं, क्या वाकई हम उस तरह से अपने आप को निभा पा रहे हैं। अभी भी 2-3 रोज़ पहले एग्जीक्यूटिव बॉडी और जो हमारे सेंट्रल बोर्ड जो है उनके सदस्यों की जॉइंट मीटिंग थी बजट को लेकर, जो बजट आने वाले साल के लिए पारित हर साल किया जाता है,
तो उसमें भी ये एक कंसर्न शो किया गया कि आज हमारा कुछ नशों से भी कुछ ऐसे सिलसिले जो हैं कुछ हाथ से जैसे बाहर निकलते जा रहे हैं, और साथ ही साथ विवाह शादियां भी वो भी कई रेखाएं पार करती चली जा रही हैं जिससे बाबा गुरबचन सिंह जी ने रोका था, जो चेतन किया था कि हमने वो रेखाओं से आगे नहीं निकलना। और उस प्रकार से विवाह शादी भी और वो सारे सिलसिले भी बहुत समाज संसार की तरह ही और उनसे भी कई दफ़ा आगे निकलते चले जा रहे हैं। और उसी में ही जिक्र हुआ कि मसूरी कॉन्फ्रेंस में भी बाबा गुरबचन सिंह जी ने कहा कि शादियां हमारी सुबह के समय ही हुआ करें, उसमें रात को और ज़्यादा खाम खा के खर्चे हो जाते हैं और सुबह शादियां हो। और उसी मीटिंग में परसों ही जिक्र हुआ कि आज तो ये सिलसिला है कि कहते हैं कि जब सामूहिक शादियां होती हैं, जब आप विराजमान होते हैं, उस वक्त तो सुबह कर लेंगे, लेकिन बाकी जितनी भी हज़ारों की संख्या में होती हैं वो अक्सर सब रात को ही होती हैं और उनके क्या क्या रूप बनते हैं। तो इस प्रकार से आज अगर हम बाबा गुरबचन सिंह जी को समर्पित मानव एकता के इस अवसर पर उपस्थित हैं तो अवश्य एक सच्ची जो श्रद्धा है, जो सच्ची हम इस प्रकार से अपनी एक डेडिकेशन एक उसको दिखा पा सकते हैं, तो वो तभी होगा अगर वाकई हम जो उनके आदेश थे, जो उनके उपदेश थे, तो वाकई हम उसको उसी तरह से निभा पाएँ, हम उसी तरह से अपने मनों को मजबूत करें, हम उसी तरह से वाकई ये एहसास करें कि समाज संसार वाले हमारी एक एक चाल देखते हैं, हमारा उठना बैठना देखते हैं, हमारे व्यवहार देखते हैं, किस कदर हम केवल नशाबंदी के जिक्र करते हैं या हम भी काबू रखते हैं अपने आप को, हम केवल सादा शादियों के कोई कविताओं में जिक्र और नारों में जिक्र ही तो नहीं कर देते हैं, या फिर हम भी उसको मजबूती से अपनाते हैं, हम उस पर खड़े होते हैं। तो इस प्रकार से बाबा गुरबचन सिंह जी ने जीवन भर उसी सादगी को खुद भी अपनाए रखा, तमाम जिम्मेदारियों को उसी अनुसार निभाया और इस तरह से समाज के लिए भी एक सुंदर मिसाल बनते हुए उन्होंने मिशन की छवि को निखारा और उसको सुंदर रूप दिए। और इसी प्रकार से इस जैसे आरंभ में कहा कि सच का पैगाम आगे से आगे पहुंचाने के लिए किस तरह से उन्होंने हर किसी को ऐसी उत्साह दिए और यही कहा कि कोई पर भी कोई मन कमज़ोर ना हो, कैसे भी हालातों ने करवटें लीं, जो भी करवटें बदलीं, किस तरह से पहाड़ जैसी ऐसी मुश्किलें सामने नज़र आनी शुरू हो गई, किस तरह से विपरीत भावनाएं रखने वाले, किस तरह से जो युगों युगों से सदियों से हर वली गुरु पीर पैगंबर के रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले, जो हमेशा ही आज तक कोई ऐसे पैगंबर नहीं हुए कि जो बड़े स्मूथली उन्होंने सच का पैगाम दे दिया हो, कोई रुकावट ना आई हो, हर किसी पैगंबर के रास्ते में जो मुतस्वी लोग, जो अज्ञानता में जीने वाले, जो एक क्रियाओं में केवल यकीन रखने वाले, जो हरगिज़ इस सच्चाई से अनजान थे, तो उन्होंने कभी भी ये बात पसंद नहीं की और वो उसी रूढ़िवादिता में ही उसी जकड़न में रहकर एक अगर श्री गुरु नानक देव जी महाराज जो राह दिखाते हैं भटको मोह को, उस वक़्त उनको क्या सुनने को मिला, उनके के सामने कैसे पेश आए, उनको यही कहने लगे ये तो कुराइया है। कुराइया कहते हैं जो भटका हुआ है, जो बहका हुआ है, जो रास्ता भूल चुका है। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आज तो बड़ी पूजा हो रही है, लेकिन उस वक़्त तो उन्हीं को कुराइया कहा जा रहा था, उनको ना समझ कहा जा रहा था, उनको एक काफिर कहा जा रहा था। तो इसी तरह से हर वली गुरु पीर पैगंबर के सामने इसी तरह से समाज संसार ने अज्ञानता में रहने वाले शरा के लोगों ने हमेशा ही रुकावटें पैदा की हैं, लेकिन जो परोपकार करना जानते हैं, जो जानते हैं कि सबका भला इसी में ही नियत है, तो इसीलिए वो देन देते चले गए, चाहे कैसे ही एक बरसातें हों, कैसी भी आंधियां हों, कैसी भी गर्मी सर्दी हो, कैसी भी तपश हो, लेकिन वो चलते चले गए। तो बाबा गुरबचन सिंह जी के जीवन में भी हमने देखा
कि पिछले कुछ अखिली सालों में एक 70s के मध्य के बाद कुछ इस तरह से ही सिलसिले शुरू हो गए और मिशन को कदम कदम पर आंच एक देने के लिए ऐसे प्रयास होते चले गए, लेकिन किसी स्टेज पर नहीं देखा कि बाबा गुरुवचन सिंह जी का कहीं पर कोई कमज़ोरी देखने को मिली हो या फिर उन्होंने किसी को कमज़ोर होने दिया हो। इस तरह की मजबूती उनकी अपनी थी और वो इसी प्रकार से वो चलते चले गए, ये सच का पैगाम वो देते चले गए और यही कहते चले गए कि वट का वृक्ष जो होता है तो वाकई ही वो बैनियन ट्री जो होता है, वो एक तना, उसके आगे कितनी ही जड़ें और वो कितने ही बैनियन ट्रीज और उस बढ़ के वृक्ष की बन जाती हैं, कहीं पता ही नहीं चलता है, ऐसा फैलाव मिल जाता है। और उन्होंने भी यही कहा कि वाकई ही एक ये शरीर, ये केवल बाबा गुरुवचन सिंह जिसको कहा जा रहा है, यहाँ तो सारे ही वही एक भाव रखते हैं, वही अवस्था रखते हैं, वही एक विश्वास रखते हैं, वही अकीदा रखते हैं, इसी निराकार परमात्मा के गुणगान गाते हैं, इसी का आधार लेते हैं, इसी सच का वणज करते हैं, इसी का व्यापार करते हैं। तो इस प्रकार से ये एक मिशन का रूप ये बन चुका है। इस तरह से उन्होंने दलेरियाँ दी, इसी तरह से उन्होंने मजबूती रखी और वो देश के लिए भी हमेशा हर किसी को प्रोत्साहन देते चले गए कि देश के लिए भी हम इसी देश में जन्मे हैं, यहीं कान खाते हैं, तो इस देश के प्रति भी वफादारी हमने रखनी है, इस देश को भी हमने कमज़ोर नहीं होने देना है, हमने हमेशा देश के लिए भी पॉजिटिव योगदान देने हैं और हमने कहीं भी जाति पाति के सवाल नहीं खड़े करने हैं, हमने कोई कौमों की दीवारें नहीं खड़ी करनी है, हमने कोई मजो मिल्लत में नहीं उलझना है, हम केवल एक प्रभु परमात्मा की संतान के रूप में विचरण करें और हम किसी के प्रति भी विपरीत भावना ना रखें, कोई दीवारें खड़ी नहीं करनी बल्कि गिरानी ही गिरानी है, ना जाति पाति को हमने वो विशेषता देनी है। इसीलिए जो ज्ञान दिया गया उत्तम, जो पावन पवित्र ज्ञान दिया गया जिसके कारण आत्मा मोक्ष और मुक्ति प्राप्त करती है, जिसके कारण जीवन का मकसद पूरा होता है, तो वही ज्ञान देने से पहले जो प्रण लिए गए तो उन्हीं प्रणों में जाति पाति से ऊपर उठने की बात कही गई। ये प्रण दिए गए, ये प्रण लिए गए, तभी तो ये ज्ञान हिस्से में आया। अगर उसी वक्त मुनकिर हो जाते कि मैं नहीं इस प्रण को मानूंगा, तो ये ज्ञान की दात नहीं मिलनी थी, ये हिस्से में नहीं आनी थी। लेकिन पीड़ाजनक बात होती है जब ज्ञान लेने के बाद भी जाति पाति के सवाल खड़े हो जाते हैं, किस तरह से ये भावनाएँ सामने आ जाती हैं, कहाँ समाज से फिर असर ग्रहण कर लिए जाते हैं, और इस प्रकार से उसी बात को, उन्हीं जाति को इस तरह से इस्तेमाल करके जैसे समाज में हो रहा है, वैसे ही विचरण अगर गुरसिक करने लग पड़े तो ये कितनी पीड़ाजनक बात है। वो तो फिर सीधा सीधा ये बात साबित होती है, ये इशारा होता है कि इसका मतलब हमने ज्ञान को भी नकार दिया है। हमने पहले प्रण लिया दिया और तब ज्ञान मिला, हमने उस प्राण को छोड़ दिया तो फिर ज्ञान कहाँ हमारे पास रहा, तो इस प्रकार से फिर कहाँ मोक्ष और मुक्ति हमारे हिस्से में रहेगी। तो इस तरह से प्राणों के ऊपर भी अडिग और अडोल रहकर ही हम इस प्रकार से अपनी आखिरी सांसों तक निभा पा सकते हैं और हम मोक्ष और मुक्ति के पात्र बन सकते हैं। तो इस तरह से ये केवल दिवस मनाना ही नहीं, ये केवल जय जयकार करना ही नहीं, ये वास्तविकता में हमने वो जीना होता है, वो निभाना होता है, और उसके निभाने के लिए किस तरह से बड़े बड़े एक तप त्याग में से गुजरना होता है। अगर पहले शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी, बाबा बूटा सिंह जी या बाबा गुरुवचन सिंह जी की बात कर रहे हैं, उन गुरसिखों की बात कर रहे हैं, वो भी उसी को निभाने के लिए ही तो तप त्याग करते रहे, इसीलिए तो ताने मेने सहते रहे, इसीलिए तो पता नहीं क्या क्या रास्ते में आया, उससे आगे निकलते चले गए, परिवार के प्रेशर्स होते रहे, समाज रिश्तेदारियों के प्रेशर्स होते रहे और मतस्वी लोगों के प्रेशर्स होते रहे और कहीं पर भी कदम रुक सकते थे नहीं, लेकिन रुकने नहीं दिए, हर प्रेशर को लांघते चले गए
और अपनी प्रीत निभाते चले गए, ये सच का पैगाम देते चले गए। तो इस प्रकार से तभी वास्तविकता में हम एक श्रद्धा सुमन समर्पित कर सकते हैं, अगर हम उसको जी लेते हैं, उन शिक्षाओं को जी लेते हैं, उन मार्ग निर्देशों का पालन कर लेते हैं और अपने आप को उस प्रकार से निभा पाते हैं। और इसी प्रकार से देश भर में जगह जगह के ऊपर जहाँ बाबा गुरुबचन सिंह जी ने ये सच का पैगाम दिया और फिर केवल देश तक ही सीमित ना रखा, फिर देश की रेखा को भी लांग गए और दूर देशों में अन्य मुल्कों में जाकर भी उन्होंने यही पैगाम दिया और राजमाता जी ने कदम कदम पर पूर्ण साथ दिया और ये सच का पैगाम उन मुल्कों में भी पहुंचा और किस तरह से वो भी तप त्याग की मिसाल बनकर उन्होंने हिंदुस्तान से चलकर इंग्लैंड तक पहुंचना और रास्ते में सारी रोड ट्रैवलिंग की और रास्ते में कितने कितने ऐसी कठिनाइयों में से गुजरते हुए वहां पहुंचकर ये सच का पैगाम दिया। अगर आज दूर देशों में प्रचार की बात कर रहे हैं तो उसकी नींव भी तो बाबा गुरुबचन सिंह जी ने ही रखी थी कि ये भी दूर देशों में प्रचार की देन भी तो उन्हीं की है। उन्होंने ही वहाँ जा जाकर हर बरस इसी प्रकार से ये सच का पैगाम वहाँ दिया और वहाँ पर भी मिशन का नाम एक बुलंद किया और इस प्रकार से आज जगह जगह पर गुरसिख महापुरुष उसी योगदान को दिए चले जा रहे हैं, उसी के प्रति उत्साह दिखाते चले जा रहे हैं। इसीलिए ऐसे समागमों के लिए हिंदुस्तान में भी उत्साह है और अन्य मुल्कों में भी उत्साह है और कैसी भी स्थितियां हैं लेकिन फिर भी वो ऐसे अवसर को कामयाब करने के लिए उसमें अपने योगदान लगातार देते चले जा रहे हैं। और जैसे दास ने कहा कि कितनी सामाजिक सेवाएं हो रही हैं, अगर हालांकि बेशक ब्लड डोनेशन कैंप्स बाबा गुरुबचन सिंह जी के काल में उनके होते हुए इस तरह से भले ही ना उनका रूप बना हो, लेकिन पीछे ही जब मुंबई में 26 जनवरी को इसी साल जब मुंबई महाराष्ट्र का समागम संपन्न हुआ तो देश के रिपब्लिक डे था, उसी दिन ही मुंबई में विले पार्ले में हमारा सत्संग भवन है विशाल, तो उसी में निरंकारी ब्लड बैंक है, वो वहाँ पर उस दिन उसकी इनॉग्रेशन की गई। तो उसी वक्त दास ने जिक्र किया कि ये भी बाबा गुरुबचन सिंह जी ने एक दफ़ा जिक्र किया था कि अपना भी एक कोई ब्लड बैंक होना चाहिए, तो वो भी उनका सपना साकार हुआ इसी बरस। और जो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगातार चलते चले जा रहे हैं, जैसे आज भी यहाँ पर जो आयोजन हुआ, तो अभी दास ने जब ये अपनी बात आरंभ की एक मिनट पहले ही सूचना दी गई कि अभी जो नंबर्स फिगर पहुँच गई है आज जिन्होंने रक्त का दान किया है वो कहने लगे 1695 हो चुके हैं और 1700 पार कर जाएंगे। और साथ ही उन्होंने कहा कि आज तक इस फिगर तक हम पहुंचे नहीं हैं केवल एक कैंप में, और आज वो भी आगे वो रिकॉर्ड जो है वो पार कर चुके हैं। तो इस तरह से ये मकसद कोई रिकॉर्ड बनाना नहीं है, मकसद है कि हमने देन देनी है और जितने ज़्यादा देन देने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं तो रिकॉर्ड तो अपने आप ही बनते चले जा रहे हैं। मकसद रिकॉर्ड बनाना नहीं है कोई, मकसद है देन देना। और इस तरह से देन देने वाले जब बढ़ते ही चले जा रहे हैं तो ये केवल एक दिल्ली की कहानी नहीं है, ये कितने ही प्रांतों में इस वक्त देन हो रही है, ये योगदान हो रहा है, विश्व के कितने मुल्कों में हो रहा है। ये ह्यूमननेस ब्लड ड्राइव जो अभी चंद दिनों पहले शुरू की गई इंग्लैंड में, ऐसी रफ्तार से वो फैली, टोरंटो में भी परसों ही उन्होंने पहला पैथवे इवेंट 22 तारीख को वहाँ टोरंटो में भवन में किया, जो अन्य भी अब शहरों में लगातार गाय बगाए वहाँ पर पाथवे इवेंट्स होंगे, तो उसमें ये भी ह्यूमननेस ब्लड ड्राइव भी ये साथ साथ चल रही है। ह्यूमननेस का पैगाम जगह जगह पर ये दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये चारों तरफ दातार कृपा करे, इसी तरह से ये उत्साह बने रहें,
मिशन का पैगाम जन जन तक पहुंच रहा है। वहाँ टोरंटो में भी परसों जब पाथवे इवेंट हुआ तो उसमें भी कितने ही इन्वाइटीज थे, जो प्रोमिनेंट कुछ लोग थे, कोई मल्टी फेथ के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, भिन्न भिन्न संस्थाओं के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, कोई आर्ट और कल्चर के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, और वो पहली दफ़ा ही वहाँ पहुँचे और एक्सपोजर जो मिशन का उनके सामने हुआ और उनकी फिर इंटरव्यूज़ ली गई, तो वाकई उन्होंने कहा हमने आज थोड़ा सा ही झलक देखी है एंड वी आर फुली मोटिवेटेड एंड वी आर फुली रियलाइजिंग दैट मिशन हैज़ इंडीड अ स्ट्रॉन्ग मैसेज टू गिव टू मैनकाइंड। तो इस प्रकार से ये लगातार ऐसे योगदान ये होते चले जा रहे हैं, और दातार कृपा करे कि जो बाबा बूटा सिंह जी ने बीड़ा उठाया, जो बाबा अवतार सिंह जी ने इस बात इस मुहिम को आगे बढ़ाया, और जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने इसको और रफ्तार दी और कितना इसका स्टेचर ऊंचा किया, और फिर लगातार ऐसे योगदान ये होते चले जा रहे हैं। और जैसे आज हम बलिदान महान को याद कर रहे हैं, तो बाबा गुरबचन सिंह जी के साथ साथ कितने ही बलिदानी महापुरुषों ने जो इस प्रकार से अपने शरीर की बाजी में लगा दी, कितने ऐसे महापुरुष जो जगह जगह पर अधिकतर पंजाब में और पंजाब से बाहर भी इस तरह से अपने ये महान बलिदान दिए, और उसके बाद उनके परिवार वो कितने अडोलता के साथ खड़े रहे, वो कायम रहे, क्योंकि कोई भी घटना, ये तो फिर भी बलिदान थे, वैसे ही कोई घटना किसी के घट जाए तो परिवार वाले तो पहले ही खड़े होते हैं डुलायमान करने के लिए, अच्छा तेरे साथ ऐसा हो गया, तू तो सत्संग में जाता है, तू मिशन के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो पहले ही खड़े होते हैं, और कभी भी वो एहसास नहीं करते क्या सारी दुनिया तो नंकारी नहीं है, तो घटनाएँ कहाँ नहीं हो रही हैं, इसका मतलब वो सारे ही गलत जगहों पर लगे ही हुए हैं फिर तो। तो इस प्रकार से कहने का क्या भाव है, तो ऐसी स्थितियों में भी जो परिवारों ने बलिदान महापुरुषों के कैसी मजबूती दिखाई, कतई डुलायमान नहीं हुए, अपने कदमों को आगे बढ़ाते चले गए, और बल्कि ये कहते रहे कि हम तो शुक्र करते हैं कि लेखे लग गया जीवन, कि ये शरीर लेखे लग गया, हमारा जीवन लेखे लग गया, हमारे परिवार का हिस्सा हो गया, जो ये मुहिम चली है प्रचार प्रसार की, जो सच को स्थापित करने की, अज्ञानता को दूर करने के लिए, इसमें कितने प्रकार के योगदान होते हैं, तो उसमें हमारा भी योगदान हो गया। तो इस प्रकार से ऐसे परिवारों की भी देन कभी भुलाई नहीं जा सकती है, और इसी तरह से दातार कृपा करें कि ये ऐसे ही महापुरुष संत जन ये आगे से आगे बढ़ते चले जाएँ, और जिस तरह से हमारे मन में एहसास बना है और ये बना रहे कि वाकई ही कितने ही बुज़ुर्गों के योगदान हैं इस मिशन को यहाँ तक पहुँचाने के लिए, राजमाता जी के योगदान हम याद कर रहे हैं कि किस तरह से आज की जनरेशन ने भी देखा है कि किस तरह से उन्होंने आखिरी समय तक यही एक पैगाम वो देते चले गए, गुरसिक्खी का ढंग बताते चले गए जी के, और कितने घरों को संवारा, और जो बाबा गुरबचन सिंह जी की इच्छाएं थी उसको पूरा करने के लिए राजमाता जी ने कितने कितने योगदान दिए। और दास तो यही एहसास रखता है कि हालांकि अगर बरसों की बात कहें तो कई दफ़ा महापुरुष जिक्र कर देते हैं कि बाबा गुरबचन सिंह जी ने उस रूप में जिम्मेदारी निभाई वो 17 बरस निभाई, और कहा कि आपके तो 36 बरस हो गए हैं, वो डबल से भी ज़्यादा बरस हो चुके हैं। तो दास यही कहता है कि होने को डबल वो बरस हो गए होंगे, लेकिन जो उन्होंने कार्य किया दास तो उतने काल में उससे आधे से भी आधा भी नहीं कर पाया है, इतने बरस ज़रूर बिताए हैं, लेकिन जो उनकी रफ्तार और जो वो योगदान उन्होंने जिस रूप में दिए, तो दास तो कहीं भी नज़दीक नहीं पहुँच सकता है। तो इस प्रकार से यही एक हमेशा प्रार्थना अरदास रहती है कि दातार कृपा करे कि ऐसे योगदान हो पाएँ, वो सपने साकार हो पाएँ जो उन्होंने देखे थे, और हर गुरसिख
उन्हीं सपनों को साकार करने के लिए लगातार ये योगदान ये देता चला जाए, तो दास यही अरदास करेगा आज मानव एकता के दिवस के अवसर पर, जहाँ ज़रूरत है इस एकता की, जो वननेस का नारा दिया गया, जो एकत्व का नारा दिया गया, जो हार्मनी का नारा दिया गया, फिर हार्मनी इन वननेस का नारा दिया गया, ह्यूमन वैल्यूज़ का नारा दिया गया, एक पीस नॉट पीसिस का नारा दिया गया, और बाबा गुरबचन सिंह जी ने जो नारा दिया था कि रिलीजन यूनाइट्स नेवर डिवाइड्स, तो इस प्रकार से वो नारा जो लगातार केवल नारा नहीं, जो केवल वाकई उसको क्रियात्मक रूप देने के लिए आप सभी योगदान दे रहे हैं, और संसार में जो बिखराव है, जो बटे हुआ है संसार, जहाँ दीवारें ही दीवारें हैं, अनेकता को अनेकता तक ही रखा गया है, अनेकता जो है वो लड़ाई झगड़े का कारण बनी हुई है, और आप भक्तजन जो वली गुरु पीर पैगंबरों ने अनेकता में एकता स्थापित करने में योगदान दिए, तो वाकई ही आप भी उस एकता के सूत्र में बंधे रहें, और संसार में एकता के सूत्र में बंध जाए, जिसको यूनिवर्सल ब्रदरहुड कहते हैं, एक ह्यूमन यूनिटी कहते हैं, एक विश्व भाईचारा कहते हैं, तो वो विश्व भाईचारा वास्तविकता में ये स्थापित होता चला जाए, ताकि ये लड़ाई झगड़े समाप्त हों, ये दूरियां समाप्त हों, वातावरण सुंदर बने, स्वर्ग से माहौल बने, राहत की सांस सभी लें, और इस प्रकार से ये धरती को जन्नत बनाने के लिए इसी एकता की ज़रूरत है, मिलवर्तन की ज़रूरत है। जहाँ संसार में एकता हो, वहाँ पर गुरसिखों में एकता रहे, साध संगत में एकता रहे, एकत्व रहे, एक दूसरे का आदर सत्कार रहे, एक दूसरे के सम्मान की भावना रहे, एक दूसरे का कभी शोषण ना किया जाए, एक दूसरे को अपमानित ना किया जाए, एक दूसरे के दिल ना दुखाए जाएं, हमेशा ही गुरसिख का आदर सत्कार करता रहे, देन दे तो सुंदर देन देता चला जाए, एक दूसरे को मजबूती देते चले जाएं, यही एक शुभकामना, यही अरदास प्रार्थना के साथ दास आपसे इजाज़त चाहेगा। सत्संग जी धन्यवाद।